हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की छोड़ो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स मोबाइल का टार्च वर्क नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इसे 100% ठीक कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में 100% प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स नाम की या मोर सेटिंग नाम की। आपके फ़ोन में अगर मोर सेटिंग हो या एडिशनल सेटिंग हो, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो मेरे फ़ोन में एडिशनल सेटिंग, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप में अगर एडिशनल हो तो इस पे क्लिक करना, अगर मोर सेटिंग हो तो मोर सेटिंग पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है और यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगी इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली नाम की सेटिंग मिल जाएगी। आपको गाइस इस पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल की सेटिंग को रीसेट कर लेना है। पैटर्न यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड जो भी आपके मोबाइल का है, और जैसे आप इतना कर लेते हैं रीसेट आपका फ़ोन हो जाएगा। कोई भी ऐप डिलीट नहीं होगा, आपका सेटिंग रीसेट होगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। हो सकता है आपके फ़ोन में यहाँ पर ही दिया हो रीसेट सेटिंग्स, आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए, इस अंदर के बाहर ही रहता है कुछ मोबाइल में, तो आप यहां पर आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेटिंग में जाकर अगर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे रीसेट, तो यहां पर भी आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली यहीं पर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहां से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, देखिए। या फिर इतना करने के बाद गाइस फिर भी ओपन ना हो, इतना करने के बाद तो पक्का ओपन हो जाएगा। बाई चांस अगर ना हो तो सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आना है यहाँ पर जहाँ पर मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है, फिर ऊपर की साइड दो डॉट पे क्लिक करना है, सो सिस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है सिस्टम लॉन्चर, और सिस्टम लॉन्चर पे क्लिक करके स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर डेटा करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है, फिर आप अपने टार्च को ओपन करेंगे तो ऑन भी होगा, ऑफ भी होगा, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप भी सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।